दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मकबू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। मैं आपके साथ मौजूद हूं दोस्तों फरीदाबाद जिले के राजनीतिक समीकरण को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव अगले 2-2.5 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 3 नवंबर तक हरियाणा की नई विधानसभा का गठन होना है, नई सरकार बन जानी है। 1 नवंबर की दीपावली है और दीपावली से पहले ऐसा लगता है कि चुनाव के कार्यक्रम को चुनाव आयोग निपटा लेगा, यानी कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में कभी भी चुनाव हो सकता है, मतदान हो सकता है, मतों की गिनती हो सकती है, ये सारा काम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर आप मान करके चलें कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि अगर आज से हम देखें तो लगभग 50 दिन बाकी बचे हैं चुनाव का आगाज होने में, चुनाव का ऐलान होने में। आगाज तो आप माने तो हो चुका है और चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में है, तमाम नेता अपनी तैयारियों में है। और इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा, आपसे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा फरीदाबाद जिले के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी कौन से चेहरों पर दाव खेल सकती है, क्योंकि राजनीति के अंदर समीकरण रोज बदलते हैं, राजनीति के अंदर हवाएं रोज बदलती हैं और उसी लिहाज से ही चुनाव के प्रत्याशी तय होते हैं। चुनाव के अंदर कौन से चेहरे मोहरे पर अपना दाव खेला जाए जिससे कि प्रत्याशी और पार्टी को विजय मिल जाए, ये रणनीति हुआ करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी रणनीति को लेकर चुनाव मैदान में है कि कौन से नेता को कहां पर एडजस्ट किया जाए। इसी वीडियो में मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि आखिर फरीदाबाद, जहां पर कि पिछले चुनाव में, पिछले लोक विधानसभा चुनाव में 2019 में फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 कांग्रेस के खाते में गई थी और 1 इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। हालांकि वो इंडिपेंडेंट ने भी सरकार को समर्थन दिया और लगातार सरकार का समर्थन जारी रहा। जो 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने उनमें तिगांव से राजेश नागर बने, उनमें फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता विधायक बने, उनमें बड़खल विधानसभा सीट से सीमा त्रिखा विधायक बनी और उनमें बल्लभगढ़ से विधानसभा सीट से मूलचंद शर्मा विधायक बने। नरेंद्र गुप्ता और राजेश नागर दोनों विधायक रह गए, सीमा त्रिखा लगातार दूसरी बार विधायक बनी, आजकल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा भी लगातार दूसरी बार विधायक बने बल्लभगढ़ से, आजकल वो प्रदेश के अंदर उद्योग मंत्री हैं। अब जो बाकी 2 सीटें हैं, NIT से नीरज शर्मा चुनाव जीते। नीरज शर्मा कांग्रेस पार्टी के गिने चुने विधायकों में हैं जो हमेशा आपको अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। और अगर अगला देखें तो फिर पृथला विधानसभा से नयनपाल रावत चुनाव जीते, जो आजकल लगातार सुर्खियों में रहे। पिछले दिनों नयनपाल रावत ने निर्दलीय चुनाव जीत करके, उनका हवाई जहाज उड़ा था, हवाई जहाज पर उड़ करके वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, लगभग 16,000 की स्पीड से उनका हवाई जहाज उड़ा था, यानी कि 16,500 वोटों के आसपास से वो चुनाव जीते थे और उन्होंने मनोहर सरकार को समर्थन दिया, अब नायब सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब बात आ जाती है कि अब इन 6 सीटों पर, जो 6 विधानसभा सीटें हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे कौन हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी किन नेताओं को अपना कैंडिडेट बना सकती है। और अगर हम आपसे चर्चा शुरू करूं तो सबसे पहले तिगांव की बात कर लें। तिगांव विधानसभा 2009 में अस्तित्व में आई, 2009 में तिगांव विधानसभा से विधायक बने कृष्णपाल गुर्जर, 2014 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को लोकसभा का टिकट मिल गया तो फिर विधानसभा के टिकट में भारतीय जनता पार्टी ने राजेश नागर को टिकट दिया 2014 के चुनाव में। राजेश नागर को टिकट तो मिला, लेकिन बात ये चलती थी कि कृष्णपाल गुर्जर 2014 में भी अपने बेटे देवेंद्र के लिए टिकट चाहते थे, देवेंद्र चौधरी के लिए। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और विश्वास किया राजेश नागर पर। हालांकि बताते हैं कि राजेश नागर भी कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से ही पार्टी में आए थे उस समय। राजेश नागर को टिकट मिला और राजेश नागर थोड़े अंतर से चुनाव हार गए। ललित नागर चुनाव जीत गए और कांग्रेस की सीट निकली। 2014 में कांग्रेस की पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ललित नागर विधायक बन गए। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में भी कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी इच्छा थी कि उनके बेटे देवेंद्र चौधरी को टिकट मिले। कृष्णपाल गुर्जर चाहते थे कि उनके बेटे देवेंद्र चौधरी को पार्टी अपना नुमाइंदा बनाए, लेकिन यहां भी बात बनी नहीं और राजेश नागर ही पार्टी के कैंडिडेट हुए। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती थी कि कृष्णपाल गुर्जर और राजेश नागर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन
अंतोगत्वा टिकट भी उनको मिली और राजेश नागर चुनाव भी जीते, और राजेश नागर की चुनावी फतह में कृष्णपाल गुर्जर की भूमिका भी रही 2019 के चुनाव में। अब 2024 का चुनाव है, तो 2024 के लिए भी बड़ी चर्चाएं थी कि कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए उनकी पैरवी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इस समय बहुत तेज हैं कि तिगांव विधानसभा में राजेश नागर अपनी टिकट बचाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। राजनीतिक चर्चाएं ये है कि राजेश नागर पर भारतीय जनता पार्टी तिगांव विधानसभा में फिर से भरोसा जता करेगी, यानी कि उनको तीसरी बार भाजपा का चेहरा बनाया जा सकता है तिगांव विधानसभा में। अगर अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर वो आती है फरीदाबाद। फरीदाबाद से 2009 में जब परिसीमन के बाद फरीदाबाद का स्वरूप बदला, मेवला महाराजपुर पहले सीट हुआ करती थी फरीदाबाद में, और NIT और बल्लभगढ़ ये तीन सीट हुआ करती थी। फरीदाबाद और मेवला महाराजपुर में से ही टूट करके ये तीन दो की जगह चार सीटें बन गई। पहली मैंने आपसे तिगांव की बात कर ली, दूसरी आपको बता रहा हूं मैं फरीदाबाद के बारे में। 2009 में यहां से चुनाव जीते थे आनंद कौशिक। आनंद कौशिक कांग्रेस का टिकट मिला और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव जीत गए, विधायक बन गए 2009 में। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा चली तो बीजेपी ने यहां से कैंडिडेट बनाया विपुल गोयल को। विपुल गोयल किसी समय जब चुनाव में उनको टिकट मिला 2014 के चुनाव में, तो उस समय वो कृष्णपाल गुर्जर के बहुत नज़दीकियों में यानी कि नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे, और नवरत्न भी मैं क्यों कहूँ, दोनों को बड़ा अच्छा दोस्त सखा माना जाता था। विपुल गोयल को टिकट मिला, विपुल गोयल चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के कुछ समय बाद उनको प्रदेश सरकार में कैबिनेट वजीर भी बना दिया गया, उद्योग मंत्री हुए विपुल गोयल। और बताते हैं उद्योग मंत्री बनने के साथ ही विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर में तनातनी शुरू हो गई। वो दौर भी आया जब विपुल गोयल कृष्णपाल गुर्जर के सामने लोकसभा चुनाव टिकट की तैयारी करने लगे, ख्वाब संजोने लगे सांसद बनने के। लेकिन एक कहावत है कि चौबे जी बल चले थे छब्बे बनने और दुबे जी रह गए, यानी कि विपुल गोयल जो तैयारी कर रहे थे 2019 में सांसद के टिकट की, उनको विधायक का टिकट भी नहीं मिला, और नरेंद्र गुप्ता को यहां से टिकट मिला, नरेंद्र गुप्ता विधायक बन गए 2019 में। अब 2024 के लिए नरेंद्र गुप्ता विधायक हैं। अब तैयारी में बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से चेहरा कौन हो, तो अब की बार फरीदाबाद से एक बार फिर विपुल गोयल ताल ठोक रहे हैं। विपुल गोयल कह रहे हैं कि वो सशक्त दावेदार हैं 2024 के लिए और उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन विपुल गोयल की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो फिर से कृष्णपाल गुर्जर हैं। विपुल गोयल के लिए जो बड़ी बाधा है वो अब भी कृष्णपाल गुर्जर ही हैं, और माना यह जाता है कि विपुल गोयल, हालांकि विपुल गोयल का भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में ठीक ठाक असर है, ठीक ठाक वजूद है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव हों, या भाजपा के चाणक्य अमित शाह के दरबार में भी उनकी हाजिरी है, लेकिन इस सबके बावजूद भी माना यह जा रहा है कि विपुल गोयल की दावेदारी, हालांकि वो सशक्त कितनी रहेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कहते हैं, जो राजनीतिक पत्रे देखा करते हैं नेताओं के, उनका कहना है कि पत्रे में जो कुंडली है और उस कुंडली पर कृष्णपाल गुर्जर बैठे हुए हैं, और इस लिहाज से माना जा रहा है कि फरीदाबाद विधानसभा सीट विपुल गोयल का प्रयास तो रहेगा, लेकिन शायद उनकी यहां पर दाल ना गले। अगर अगले चेहरे के तौर पर देखें तो यहां पर अजय गौड़ का नाम भी चलता है। अजय गौड़ मनोहर लाल के भी नजदीकी में शामिल हैं, और इसके साथ साथ अजय गौड़ कृष्णपाल गुर्जर के नजदीकियों में भी शामिल हैं। लेकिन बात यही आ जाती है, अगर अजय गौड़ की बात आती है तो फिर अजय गौड़ के साथ में नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनकी कुछ खटास और रुसवाई बताई जाती है। अगर मैं आपसे बात कर लूं उनकी ओल्ड फरीदाबाद से, भले ही 2009 के चुनाव में आनंद कौशिक विधायक बने, लेकिन फरीदाबाद की जो विधानसभा सीट है, शहरी विधानसभा सीट, ये पंजाबी और वैश्य अग्रवाल बाहुल्य सीट है। यहाँ पर काफ़ी लोग तैयारी करते रहे, प्रवेश मेहता यहाँ पर तैयारी करते रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनको अंत में जा करके शामिल होना पड़ा, एक बार लोकदल से चुनाव भी लड़े, आजकल वो आम आदमी पार्टी में है। बसंत विरमानी यहाँ पर तैयारी करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस के चेहरे रहे हैं, वो कभी वो डिप्टी मेयर रहे नगर निगम के अंदर,
और बसंत विरवानी की भी तैयारी रहती है, इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि फरीदाबाद शहरी सीट जो है वो पंजाबी और वैश्य, पंजाबी वैश्य अग्रवाल बाहुल्य सीट है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां से किसी वैश्य प्रत्याशी को पीछे करके अजय गौड़ को टिकट देती है तो फिर बात ये आ जाएगी कि जो वैश्य अग्रवाल मतदाता है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस से लखन सिंगला लगे हुए हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आपके साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर हूं, जब कभी अगली वीडियो बनाऊंगा तो कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। इस लिहाज से अजय गौड़ के लिए ये ठीक है कि कृष्णपाल गुर्जर भी उनके साथ हैं, उनके साथ में मनोहर लाल भी होंगे, लेकिन इस सबके बावजूद भी एक जो बाधा अजय गौड़ के लिए है वो बड़ी बाधा ये बन जाती है कि फरीदाबाद जो शहर की सीट है इस पर वैश्य अग्रवाल और फिर उसके बाद पंजाबी प्रत्याशी का दावा ज़्यादा बनता है। और आप इसके साथ में एक बात और जोड़ लें कि अभी हाल ही में पिछले दिनों जो कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन क्योंकि जुड़ती बात है आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल तो कह भी चुके हैं कि फरीदाबाद और बड़खल पर पंजाबी नेताओं का हक है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को यह देखना होगा। खैर, इस लिहाज से आप माने तो नरेंद्र गुप्ता के लिए टिकट पर उनकी पे संकट तो है, लेकिन क्या विपुल गोयल की दावेदारी मजबूत होगी और उसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर बाधा बन पाएंगे या नहीं, दूसरी बात ये आ जाती है। फिर कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल ये अजय गौड़ की कितनी बड़ी बड़ी पैरवी कर पाएंगे, फिर ये बात आ जाती है। और फिर प्रमुख बात ये आ जाती है कि क्या वैश्य अग्रवाल मतदाताओं की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेल पाएगी। उस स्थिति में ये भी हो सकता है कि नरेंद्र गुप्ता ही वापस हो जाएं अगर विपुल गोयल की बात यहां ना बनती हो तो। आप मान करके चलें कि ये तीन प्रत्याशी वैसे कतार में पूरी तरह से हैं। और अगर मैं आपसे नंबर की बात करूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा विपुल गोयल, नरेंद्र गुप्ता और अजय गौड़, ये नाम हो सकते हैं। अगर अगली विधानसभा की आपसे चर्चा करूं तो फिर आपसे हम बात करते हैं बड़खल विधानसभा की। बड़खल विधानसभा से सीमा त्रिखा विधायक हैं लगातार दूसरी बार। 2014 में सीमा त्रिखा चुनाव जीती थी और सीमा त्रिखा ने चौधरी महेंद्र प्रताप को बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया था। 2019 के चुनाव में सीमा त्रिखा फिर चुनाव जीती, हालांकि मार्जिन तो कम हो गया लेकिन सीमा त्रिखा चुनाव जीत गई 2019 के उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। जब 2024 की बात आती है, अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप जी जो बड़खल विधानसभा से ही आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़खल विधानसभा में 40,000-45,000 बड़े अंतर से, मतलब लगभग इतने से पिछड़ गए। और आप माने तो इससे सीमा त्रिखा को बैकबोन, सीमा त्रिखा की मजबूत होती है और सीमा त्रिखा को पावर मिली। आप देखें तो सीमा त्रिखा, मैंने आपको बताया था कि अभी पंजाबी मतदाता, सीमा त्रिखा दो कैटेगरी पूरी करती है। एक तो पंजाबी, क्योंकि वो पंजाबी ब्राह्मण समाज से आती हैं और उनके जो पति हैं अश्विनी त्रिखा एडवोकेट, कभी वो बड़े नेताओं में वो भी शामिल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या यहाँ के जो सांसद बना करते थे उनके जने की जो सांसद बनते रहे रामचंद्र बैंदा या फिर अवतार सिंह भड़ाना, उस दौर में एक चाणक्य की भूमिका में हुआ करते थे अश्विनी त्रिखा। सीमा त्रिखा जो विधायक बनी 2009 के चुनाव से पहले, उससे पहले वो 2009 में हार गई थी चुनाव वो, और 2014 में जीती। 2009 में विधानसभा का चुनाव हारने से पहले सीमा त्रिखा नगर निगम की पार्षद थी। और वही बात है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि अश्विनी त्रिखा एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी थे उनको राजनीति में आगे करने के लिए। तो एक नाम तो हुआ सीमा त्रिखा का। अगर मैं अगला नाम कहूँ तो यहाँ पर अगला नाम पिछले दिनों चर्चाओं में आया कि यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी धनेश अधलखा को ला सकती है। धनेश अधलखा, मैंने आपको बताया कि मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन थे, चर्चाएं हैं, पिछले दिनों उन्होंने मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया। धनेश अधलखा नगर निगम के पार्षद हैं। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के लिए पिछले दिनों उन्हें, जब कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उनको बड़खल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। अब राजनीतिक चर्चाएं तो कुछ ऐसा कहती हैं कि क्योंकि उनके लिए कोई ओल्ड फरीदाबाद में और इधर परेशानी थी तो उनको शिफ्ट किया गया यहां। अगर धनेश अधलखा की बात आती है तो उनका जो मूल निवास है वो सब कुछ फरीदाबाद सिटी वाली सीट में है, जहां से वो नगर निगम पार्षद बनते रहे वो भी फरीदाबाद सिटी में पड़ता है, यानी कि जो फरीदाबाद विधानसभा सीट है। लेकिन धनेश अधलखा के बारे में भी कहा जाता है कि जैसे कृष्णपाल गुर्जर के नवरत्नों की बात आएगी तो नवरत्नों में वो भी शामिल हैं। हालांकि स्पष्ट इंगित तो अभी कहीं नहीं हो रहा। अगर धनेश अधलखा की बात आती है तो फिर आपके साथ एक बात और जोड़ दूंगा
कि राजनीतिक रूप से वो महारत उनके पास हासिल है, कैलकुलेशन उनकी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन अगर बरखल में बात आ जाएगी तो फिर उनकी पब्लिक कनेक्टिविटी यहाँ पर कोई विशेष दिखाई नहीं पड़ती। उसके बाद अगर दूसरी बात आ जाती है तो धनेश अदलखा जी के साथ में जो लोग बताया करते हैं वो कहते हैं कि उनका पब्लिक के साथ में कोई ज़्यादा कनेक्शन यूँ भी नहीं है कि कई बार उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती समय पर। तो इन सबको देखते हुए दूसरा नाम, हालांकि वो धनेश अदलखा का नाम मैंने आपको बताया, तीसरा नाम अगर आपसे कहूं तो फिर यहां पर राजन मुथरेजा का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके नाम को भी कई राजनीतिक गलियारे में गंभीरता से लिया जाए ऐसा कोई नजर आता नहीं है। अगर अगला नाम ले तो फिर यहां पर राजीव जेटली का नाम आ जाता है। राजीव जेटली मुख्यमंत्री के आजकल मीडिया सलाहकार हैं, उनके लगातार वो कार्यक्रम भी करते रहते हैं, कई कार्यक्रमों के हमारे पास भी जानकारी होती है, कई लोगों को हमें नहीं पता होता होगा। अगर हम फरीदाबाद के आप एक दो नंबर तीन नंबर कहीं आप जाएं तो आपको राजीव जेटली के लगे हुए बोर्ड भी दिखाई दे जाएंगे। तो ये प्रमुख नाम आ जाते हैं जो बड़खल विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि बड़खल के लिए मैंने आपको बताया कि ये भी पंजाबी बाहुल्य सीट है। तो यहां पर जो एक नाम और जोड़ दूं आपके साथ, अगर आप फ्लाईओवरों पर चढ़े तो आपको गजेंद्र लाला जी के नाम से बोर्ड दिखाई दे जाते हैं। गजेंद्र लाला जो हैं वो गुर्जर समाज से हैं और छात्र संघ के नेता रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हर चुनाव में लगभग उनकी दावेदारी होती है, लेकिन अभी तक उनको कभी मौका नहीं मिला। एक नाम उनका भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर पंजाबी बाहुल्य वाली बात आ जाती है, पंजाबी सीट की बात आ जाती है, और कांग्रेस से लगभग लगभग तय है कि अब की बार भी यहां पर महेंद्र प्रताप परिवार से ही कोई कैंडिडेट हो सकता है। विजय प्रताप की ज्यादा बड़ी दावेदारी है, विजय प्रताप कैंडिडेट हो सकते हैं। इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी का कोशिश होगी कि पंजाबी समाज से ही कोई कैंडिडेट हो। तो आप उसमें आप देखें तो सीमा त्रिखा मैंने आपको बताया पंजाबी ब्राह्मण है, राजन मुथरेजा पंजाबी समाज से हो गए, धनेश अदलखा पंजाबी समाज से हो गए, और राजीव जेटली ये पंजाबी ब्राह्मण समाज से हो गए। इस लिहाज से जो अगर मैं आपको बताता चलूं कि कौन से कैंडिडेट में ज्यादा दम दिखाई पड़ता है और उसको मैं सीरियल वाइज बता दूं तो आपको नंबर एक पर आप जोड़ करके चलें सीमा त्रिखा, नंबर दो पर आप ले सकते हैं यहां पर राजीव जेटली, नंबर तीन पर आप ले सकते हैं राजन मुथरेजा, और नंबर चार पर ले सकते हैं आप धनेश अदलखा। जो तीनों नाम पहले मैंने बताए ये बड़खल विधानसभा से ही हैं, और जो चौथा नाम मैंने बताया ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। यानी कि सीमा त्रिखा के दावे में आज भी मजबूती है और सीमा त्रिखा और प्रत्याशियों पर भारी दिखाई पड़ती हैं। अब अगर अगली विधानसभा की आपसे बात करूं तो फिर फरीदाबाद एनआईटी, फरीदाबाद एनआईटी से भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी चुनाव नहीं जीती। 2009 के चुनाव में यहां से शिवचरण शर्मा चुनाव जीते, 2000 निर्दलीय थे वो, 2014 में नगेंद्र भड़ाना चुनाव जीते इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर, 2019 में यहां से नीरज शर्मा विधायक बने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, पंडित शिवचरण शर्मा के बेटे। अब 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी से जो नाम चल रहे हैं, हालांकि यहां पर नगेंद्र भड़ाना का नाम बड़ा गंभीरता से रहा, यहां पर यशवीर डागर का नाम लिया जाता था, यहां पर और बहुत सारे नाम है, लेकिन पिछले लगभग एक पखवाड़े से यहां पर एक नया नाम चल पड़ा और वो है देवेंद्र चौधरी। कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनके बेटे फरीदाबाद नगर निगम के निवर्तमान उप महापौर, नगर निगम के पार्षद रहे और अब की बार नगर निगम के उप महापौर भी थे, जो नगर निगम अभी भंग पड़ी हुई है। राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से चर्चा है कि देवेंद्र चौधरी के नाम के लिए सहमति बन रही है फरीदाबाद एनआईटी से कैंडिडेट बनाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है और कुछ राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि देवेंद्र चौधरी एनआईटी की जगह बड़खल से भी कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बड़खल विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि एक तो यहाँ पर पहले से ही महेंद्र प्रताप के बेटे हैं और दूसरा ये सीट पंजाबी सीट मानी जाती है, तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इस प्रकार का कोई रिस्क लेगी। मैं आपके साथ जोड़ता चलूं कि यशवीर डागर को 2014 में टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, जिनके बारे में मैंने आपको बताया वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यशवीर डागर चुनाव में वो बुरी तरह से पिछड़ गए थे। उससे पहले अगर 2009 में तो चुनाव मिला था महेंद्र भड़ाना को, वो भी पिछड़ गए थे बुरी तरह से, वो तो पांचवें छठे नंबर पे पहुंच गए थे। और अगर तीसरा नाम मैं आपसे कहूं, नगेंद्र भड़ाना जो 2019 में कैंडिडेट थे, 2014 से वो विधायक थे इनेलो के टिकट पर, पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको विधानसभा का कैंडिडेट बनाया, वो भी चुनाव हार गए।
नगेंद्र भड़ाना के बारे में आप ये समझ लें कि पिछले काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी के एज ए कैंडिडेट इतने गंभीर सक्रिय दिखाई पड़ते नहीं थे। कई उनके वॉल पेंटिंग भी दिखाती थी कि जिसमें लगता था कि उनका भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नगेंद्र भड़ाना के निवास पर आए थे मनोहर लाल खट्टर, कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद थे और बताते हैं उस दौरान में कोई बातचीत चली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बातचीत जो चली थी वो उसकी हवा डाउन हो गई। और अगर अब आप बात करें तो फरीदाबाद NIT सीट पर जो सबसे प्रमुख नाम चल रहा है वो देवेंद्र चौधरी का है फरीदाबाद NIT सीट के लिए। अगर आप वहां पर दूसरे नंबर पर देखें तो फिर वो नगेंद्र भड़ाना हो सकते हैं, फिर उसमें यशवीर डागर हो सकते हैं, फिर उसके बाद में और जो तीसरा चौथा पांचवा छठा जो भी नाम हो वो सब हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख दावेदार जिन पर टिकट तय माना जा सकता है वो देवेंद्र चौधरी का नाम आता है। बल्लभगढ़ विधानसभा से परिसीमन से के बाद यानी कि 2009 के चुनाव में शारदा राठौर विधायक थी। 2014 का जब विधानसभा चुनाव आया तो शारदा राठौर की कांग्रेस के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई और उनकी एक बार तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय चली गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको ना यहाँ का छोड़ा ना वहाँ का छोड़ा 2014 के चुनाव में। ना वो भाजपा में शामिल हो पाई ना वो कांग्रेस की रह पाई। 2014 के चुनाव में बीजेपी से कैंडिडेट हो गए पंडित मूलचंद शर्मा और पंडित मूलचंद शर्मा चुनाव जीत गए। 2019 का जब विधानसभा चुनाव आया तो उस चुनाव से ठीक पहले शारदा राठौर ने पलवल के अंदर एक रैली थी, मुख्यमंत्री उस समय के थे मनोहर लाल, उन्होंने जनादेश यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के मंच पर शारदा राठौर शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर के आप शारदा राठौर की स्थिति कुछ ये मान लें कि ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, शामिल हुई। बात थी कि उनको टिकट मिलेगा, बात बनी नहीं, टिकट मिला नहीं, टिकट फिर मिला पंडित मूलचंद शर्मा को 2019 में। शारदा राठौर ना 14 का चुनाव लड़ी ना 19 का चुनाव लड़ पाई। उसके बाद वो स्थिति आई कि वो भारतीय जनता पार्टी में काफी दिन जमी रही कि शायद कुछ बात बने। जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी बात नहीं बनी और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत बढ़नी शुरू हुई तो फिर शारदा राठौर वापस कांग्रेस में आ गई। अब बल्लभगढ़ विधानसभा को लेकर के पंडित मूलचंद शर्मा लगातार दो बार से विधायक हैं, लेकिन जो राजनीतिक गणनाएं अब जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि यहां पर विपुल गोयल भी सक्रिय हो रहे हैं। विपुल गोयल की सक्रियता के पीछे ये है कि अगर बात मान लो कि फरीदाबाद नहीं बनती तो फिर वो बल्लभगढ़ के लिए ट्राई करें। पिछले दिन उनके कार्यक्रम भी हुए और पंडित मूलचंद शर्मा के लिए ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक गणनाएं उनके लिए गई, जिस प्रकार के वो सर्वे हैं उनके अंदर कहा जा रहा है कि मूलचंद शर्मा जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी है। फरीदाबाद नगर निगम के कई घपले घोटाले की बातें चली जिनको कि इंदिरा शर्मा ने खोला और भी कई सोर्सों से बातें चलती रही, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका उनकी सामने लाया विपक्ष, और जिससे ये आरोप लगने शुरू हुए कि पंडित मूलचंद शर्मा पर विपक्ष के द्वारा करप्शन के आरोप लगा दिए गए। और दूसरा मैंने आपको बता दिया एंटी इनकम्बेंसी, और तीसरा अगर एक अजय गौड हो जाते हैं अगर फरीदाबाद तो फिर एक अग्रवाल को एडजस्ट करना जरूरी है, उस स्थिति में विपुल गोयल की दावेदारी यहां पर भी मजबूत हो जाती है। अगर फरीदाबाद से विपुल गोयल का बात नहीं बनती तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि बल्लभगढ़ दावेदारी मजबूत हो जाती है। तो बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए आप मान करके चलें तो भारतीय जनता पार्टी में विपुल गोयल और मूलचंद शर्मा में टिकट के लिए बराबर दावेदारी रह सकती है। अगर फरीदाबाद विधानसभा से अजय गौड़ को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं कृष्ण पाल गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो फिर आप मान करके चलें कि बल्लभगढ़ में पंडित मूलचंद शर्मा की टिकट पर संकट के बादल गहरा जाएंगे और उस स्थिति में यहां पर विपुल गोयल दावेदार हो सकते हैं। वैसे यहां पर और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, भारत भूषण का नाम भी चलता है और भी कुछ नाम है, लेकिन प्रमुख दावेदारों में आप मान करके चलें तो फिर आप माने विपुल गोयल मूलचंद शर्मा या मूलचंद शर्मा विपुल गोयल। अगले विधानसभा की बात आपसे कर लूं तो फिर प्रथला विधानसभा आ जाता है। प्रथला विधानसभा भी ऐसा है NIT की तरह जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी खिला नहीं। 2009 के चुनाव में यहां पर रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक बने कांग्रेस के टिकट पर। 2014 के चुनाव में यहां पर टेकचंद शर्मा विधायक बने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। 2019 के चुनाव में यहां पर नैनपाल रावत विधायक बने
निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए। 2019 के चुनाव में नैनपाल रावत, उससे पहले उनको टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का, 9 में भी और 14 में भी नैनपाल रावत को टिकट मिला था प्रथला से, लेकिन वो दोनों चुनावों में ही उनकी बात बनी नहीं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नैनपाल रावत का टिकट काट करके सोनपाल छोकर को टिकट दे दिया, और इधर नैनपाल रावत के साथ में एक बात जुड़ गई कि इनके साथ में भाई पार्टी ने, यानी कि जो सिंपथी लहर चलती है, सिंपथी लहर में वो सवार हुए, हवाई जहाज उनका निशान हुआ और वो हवाई जहाज पे उड़ते हुए पहुंच गए प्रथला, प्रथला से उनका हवाई जहाज उड़ा और वो पहुंच गए चंडीगढ़। नैनपाल रावत ने सरकार को समर्थन दिया। टेकचंद शर्मा जब 2014 में निर्दलीय विधायक बने तो उन्होंने भी सरकार को समर्थन दिया, बीजेपी सरकार को। और 2014 और 2019 ये दोनों जो विधायक बने, अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दौड़ में हैं। हालांकि टिकट की दौड़ में तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र से एक दर्जन से ज़्यादा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट चाहते हैं। उनके अंदर इतने सारे नाम हैं कि आप जिनके बारे में सोच नहीं सकते, और तमाम लोग वहाँ पर टिकट की दावेदारी करते हैं बीजेपी से। लेकिन जो गंभीर दावेदार माने जाते हैं उनमें नंबर एक पर टेकचंद शर्मा का नाम है, और अगर उसके बाद नाम आता है तो फिर वो नैनपाल रावत का नाम चलता है। प्रथला विधानसभा में टेकचंद शर्मा के पक्ष में जो समीकरण है वो उनका समर्थन देना, और प्रथला विधानसभा की आपसे एक बात और दोस्तों कर दूं, अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आप प्रथला विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको दो ही नाम सुनाई पड़ेंगे, एक टेकचंद शर्मा और एक रघुवीर सिंह तेवतिया। लोग कहते हैं कि इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होगा, टिकट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन जब ये बात चल पड़ती है तो फिर पार्टियों को सोचना पड़ता है। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रथला विधानसभा के लिए जो बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट के तौर पर नाम है वो टेकचंद शर्मा का है। तो हमने जो आपको नाम बताए, तिगांव से राजेश नागर, लगभग टिकट तय। फरीदाबाद से जो हमने नाम आपको बताए, नरेंद्र गुप्ता, विपुल गोयल और अजय गौड़, अभी कंफ्यूजन है, लेकिन टिकट में ज़्यादा अगर नाम चलेगा, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी की यहाँ चलेगी तो उसमें अग्रवाल समाज को गई तो फिर नरेंद्र गुप्ता हो सकते हैं, और ब्राह्मण समाज को गई तो फिर अजय गौड़ हो सकते हैं, और अगर कहीं वीटो पावर पार्टी हाईकमान से आ गई तो फिर विपुल गोयल हो सकते हैं। अगला जो आपको मैंने विधानसभा क्षेत्र बताया बड़खल, बड़खल के अंदर सीमा त्रिखा सबसे ऊपर नजर आती हैं। अगर अगला विधानसभा देखें तो फिर एनआईटी के अंदर देवेंद्र चौधरी का नाम सबसे ऊपर नजर पड़ता है। अगर बात करें बल्लभगढ़ की तो बल्लभगढ़ के अंदर विपुल गोयल और मूलचंद शर्मा, ये दोनों नाम कांटे पर रहेंगे। और अगर प्रथला की बात करें तो प्रथला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बतौर कैंडिडेट टेकचंद शर्मा हावी दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, हमने जो नाम बताए इनसे आप कितने सहमत हैं? अगर ये चेहरे होते हैं फिर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कैसा मुकाबला करेगी? अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। आपकी नज़र में जो कैंडिडेट्स हों आप उनका भी नाम हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं बतौर कांग्रेस। इसी प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।